बंगाल के दार्जिलिंग में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की। दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजा रक्षा मंत्री ने की। विजयदशमी पर राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की है। भारत में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा का विधान है और बीते कुछ सालों में हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हर बार किसी न किसी महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचकर भारतीय सेना के उन शस्त्रों की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं जो कि देशवासियों की रक्षा करते हैं। और इस दौरान वो सेना के जवानों से मुलाकात भी करते हैं, उनके साथ भोजन भी करते हैं और उनसे बातचीत भी करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आते हैं। तो दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं आप सभी को विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं और आपके परिवारजनों को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। आम तौर पर तो देखने में किसी को यह लग सकता है कि लोहे लकड़ी की बनी चीजों की पूजा अर्चना का क्या औचित्य है, निर्जीव वस्तुओं को इतना सम्मान देने का क्या औचित्य है, पर वास्तव में यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथियों, केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे जीवन को सुगम बनाती है, हमारी परंपरा में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रोफेशन के लोग किसी न किसी दिन अपने प्रोफेशन से संबंधित यंत्रों की और वस्तुओं की पूजा करते हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया जहां उन्होंने कहा कि सीमाओं पर सशस्त्र बल सतर्क है और सतर्कता से किसी घटना की संभावना नहीं है, संभावित घटना की अनदेखी नहीं कर सकते, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। पड़ोसी को हिमाकत नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी हर हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है, ये भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा। और उन्होंने कहा कि हम सभी विकल्पों के साथ हमेशा तैयार हैं और देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना हमेशा तैयार है, तत्पर है और वैश्विक हालात कुछ भी हो लेकिन भारत मजबूती से अपनी रक्षा को प्रतिबद्ध है। आप लोगों की सतर्कता और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति जवाबदेही को यह सूचित करता है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि हमारी सीमाओं पर सेनाओं की मुस्तैदी के चलते कहीं किसी प्रकार की कोई घटना की संभावना दिखाई नहीं देती है। बावजूद इसके वर्तमान में जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, पड़ोसियों की किसी हरकत की संभावना से किसी भी सूरत में इनकार भी नहीं किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व संभालने के बाद से ही मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि ग्लोबल सिनेरियो चाहे कुछ भी हो पर हमें अपनी तैयारियों में कहीं कोई कमी किसी भी सूरत में नहीं रखनी है। इस परिस्थिति के लिए हमेशा और हर विकल्प के साथ प्रोएक्टिवली हम सबको तैयार रहना है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद रहें।